हर जगह हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेवन स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज फिर कराची से खबर सामने आई कि असलहे की एक और खेप पकड़ी गई है और अब की बार ये खेप सफारी पार्क के एक स्टोर से बरामद की गई है। और सिंध रेंजर्स की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि मुत्तहिदा लंदन के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अनवर के दामाद इंसबात से ये असलहा बरामद हुआ है। इंसबात जो है उन्होंने ये असलहा छुपाया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर आपको यह भी खबर दें कि पिछले 8 माह में कराची से 9 मरतबा असलहा बरामद हुआ है और 17 सितंबर 2016 को गोलीमार से असलहा बरामद हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के यूनिट ऑफिस 167 के लॉन और न्यू कराची में सेक्टर ऑफिस के करीब छुपाया गया असलहा बरामद हुआ। और इसके साथ साथ 23 सितंबर 2016 को असलहा बरामद हुआ। यह मुशरफ कॉलोनी में एमक्यूएम पाकिस्तान के जरिए इस्तेमाल मदफून असलहा था। और इसके साथ साथ एमुनेशन की बड़ी खेप भी बरामद की गई। इसके अलावा आपको यह भी खबर दें कि 5 अक्टूबर 2016 को कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का गढ़ तस्वुर किए जाने वाले इलाके अजीजाबाद से एक खाली मकान की टैंकी से असलहा बरामद हुआ और यह जदीद तरीन असलहा था और नेटो अफवाज के इस्तेमाल में रहा है यह असलहा और जिसमें तैयारा शिकन तोपें भी शामिल थी। इसके साथ साथ 2 फरवरी 2017 को कराची के कब्रिस्तान से एमक्यूएम लंदन का असलहा बरामद किया गया है। 7 फरवरी 2017 को रेंजर्स ने लांजी नंबर 3 के घर में कार्रवाई करते हुए असलहा बरामद किया और यह बताया गया कि यह असलहा एमक्यूएम लंदन के कारकुनों ने छुपाया था। इसी तरह 28 फरवरी 2017 को कार्रवाई की गई रेंजर्स की जानिब से लियाकताबाद नंबर 4 में और यहां वाके एमक्यूएम पाकिस्तान की यूनिट ऑफिस 164 से असलहा बरामद हुआ। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आई कि इस असलहे का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से भी था लेकिन ये मुतनाज़िया रहा मामला। 13 मार्च 2017 को जो असलहा बरामद हुआ वो एक स्कूल में जेर जमीन छुपाया गया था और ये एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक बताया गया। आज की कार्रवाई सफारी पार्क में की गई और इसका ताल्लुक भी एमक्यूएम लंदन से ही बताया जाता है। बहुत से सवाल हैं, इतना असलहा कहां से आया, इस असलहे का क्या करना था, एमक्यूएम लंदन से जो इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं इसी से मुतालिक एमक्यूएम लंदन का मौकफ जानते हैं। एमक्यूएम लंदन के सीनियर रहनुमा वासे जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वासे जलील साहब, सिंध रेंजर्स के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज में मोहम्मद अनवर के दामाद पर यह इल्जाम धरा है, एमक्यूएम लंदन का क्या मौकफ है? सबसे पहले तो मैं इस पूरी सूरत हाल पे जो आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी है और बिलखसूस जो आज का वाकया है मैं इसकी एक तो सख्ती से मजम्मत करता हूँ, रिफ्यूट करता हूँ इस पूरी सूरत हाल को कि जो ड्रामा आज एस्टैब्लिशमेंट ने पर्टिकुलरली कराची रेंजर्स ने जो ये ड्रामा रचा है, देखिए इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज बरतानिया से वाबस्ता जो वजारती दाखिला है उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और यकीनन पाकिस्तान को कोई ना कोई एफिशिएंसी दिखानी थी और एमक्यूएम का इमेज जो है वो खराब करना था। और आप ये अंदाजा कर लें कि ये छापा अला सुबह पड़ा और चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ 2-3 घंटों के अंदर प्रेस रिलीज भी आ जाती है और उस प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो तमाम असले की जो जो इकसाम होती है वो भी डिफाइन है। और मजे की बात है कि सीरियल नंबर 13 के ऊपर जो है वो 20,300 राउंड भी जो है इन 2-3 घंटों के अंदर जो है वो गिन लिए गए और इसी तरह से आगे मुतादित इसी तरह से कहीं मतलब 100, कहीं 200, कहीं 500 इस तरह मुख्तलिफ राउंड जो है वो हजारों की तादाद गोलियां जो है वो 1-2-3 घंटों के अंदर जो है वो गिन लिए गए। ये पूरी गिमिक्री है, ड्रामा है बेसिकली और एमक्यूएम के करेक्टर को असैसिनेट करने की मजमून कोशिश की जाती है। और बात ये कि असला जो है वो कैसे बोलते हुए निकलता कि मेरा ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से है, क्या कोई कोई मतलब इसकी कोई कोई मतलब कोई कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया है रेंजर्स ने कि जिसके पास से निकलेगा उसके बारे में जो है बरामदगी मतलब जो है उसकी शो कर दी जाएगी। और एक और जो अहम बात है मेरे भाई वो ये है कि ये एक साल से गो ऐश जो है वो बंद पड़ा हुआ था, इस पे रेंजर्स वालों की वहां पर पेट्रोलिंग थी, रेंजर्स वालों की वहां पर प्रेजेंस मौजूद थी,
इससे पहले मुतादिद मरतबा वहां पर छापे मारे जा चुके थे। आज एक छोटे से स्टोर रूम के अंदर एक से लेके 21 सीजन तक जो असला बरामद करके दिखाया है, मुझे ये पूरा असला जो आज उन्होंने निकाला है उसमें पूरा बंद करके उसी हालत में दिखा दें जो मीडिया ने अपनी फुटेज में भी शो किया। वासी जलील साहब, 8 माह में 9 मरतबा असलहा बरामद हुआ है और इसके ताने बाने कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान या फिर एमक्यूएम लंदन के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन आपको यहाँ ये भी याद होगा असलहे का मामला पुराना है। जब नेटो कंटेनर से असलहा गायब हुआ तो कराची बेअमनी केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए थे और सरजनिश भी की गई थी, लेकिन ये उसी किस्म का असलहा बरामद हुआ है, इसको छुपाने का सिलसिला कब से जारी है? इल्जाम जो है वो एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान पे धरा जा रहा है। देखिए, मुझमें इतनी अखलाकी जुरत है कि अगर कोई गलती होगी ना तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए भरपूर तैयार हूँ। जिस नेटो के असले की आप बात कर रहे हैं, उसी नेटो असले के जो करते धरते हैं उनकी तरदीदी प्रेस रिलीज भी जो है वो मुतादिद मरतबा जो है वो पाकिस्तान में कायम जो यूएस काउंसलेट है वो बतला चुका है कि नेटो का असला कभी भी कराची के जरिए कभी भी नहीं आया और वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड जो है मौजूद है। और दूसरी बात ये मेरे भाई कि ना तो कराची में कोई असले की फैक्ट्री है कि कराची में जो है वो असला जो है बनाया जाता हो। ये तमाम सरहदें अबूर करते हुए नॉर्दर्न एरिया से निकलते हुए और कराची तक लाया जाता है। तो इसके जो जो उसके मस्जिद हैं, जो उसके लाने वाले लोग हैं, जो इसके जो बॉर्डर्स की जिनके पास सिक्योरिटी है, ये तो उनके पास जवाब दे देनी चाहिए कि ये असला जो है यहाँ पर कैसे जो है वो पहुँच जाता है। बात यह है कि अगर आप जो है वो सूरत हाल को अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक सियासी जमात के ऊपर अगर आप उसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते रहेंगे तो कभी भी इसके मतलूबा नतायज जो है वो बरामद अच्छे नहीं होंगे। और आज भी यही सूरत हाल है कि कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। एस्टैब्लिशमेंट की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार किया जाए, आपस में एक दूसरे से लड़ाओ और अपने मफादात को जो है वो हासिल करते रहो। इससे कभी भी जो है वो अच्छे नतायज नहीं होंगे बल्कि हमेशा नुकसान होगा। और मैं एक अहम बात मैं आपकी तवज्जो मंजूर कराना चाहता हूँ, तो गौर से सुनिएगा प्लीज, कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से ये ऑपरेशन जो है वो एमक्यूएम के खिलाफ चल रहा है, सितंबर 2013 से, और बल्कि अब तो तकरीबन 3.5 साल कहूंगा मैं, 3.5 साल से ही एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है रेंजर्स का और थोड़ा बहुत पुलिस का। तो जितने भी इलाकों में अब तक 10,000 से ज्यादा जो है वो रेड्स पड़ चुकी है और एमक्यूएम पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं जो हम पे ना लगाया गया हो, और ये भी कहा गया कि हम तमाम लोग तरबियत दहशत गर्द हैं सारी चीजें और असला बहुत मर्द। तो किसी एक घर से तो कहीं मजामत होती, किसी एक अहलकार के ऊपर तो गोली चला जाती कि भाई वो अपने दिफा में जो है कुछ इस तरह कर लेता। आज भी एमक्यूएम के तकरीबन 1500 से ज्यादा जो है वो जेल में असीर कारकुनान है, 72 जो है वो तकरीबन मावरा अदालत कत्ल हुए, 125 कौन होगा जी। वासी जलील साहब, यहाँ एक और भी तो मामला है, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन अब दो जमातें सामने आ चुकी हैं। इस तफरीक को लेकर आप बार बार एमक्यूएम का तज़किरा कर रहे हैं, अब ये किसके कारकुन गायब हैं? वो भी नामालूम अफराद का रोना रो रहे हैं, गायब लोगों का रोना रो रहे हैं, एमक्यूएम लंदन भी यही बातें कर रही है। नहीं, हम तो नहीं रो रहे हैं। देखें आइडियोलॉग, देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि एमक्यूएम के आइडियोलॉग जो है वो बानियों कायदे का अल्ताफ से, और दूसरा ये कि ये तो है हाईजैक एमक्यूएम जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने 22 अगस्त की रात को फारूक सत्तार और ख्वाजा हजार को उठाया और उनके तवस्सुत से जो है वो अगले 6 घंटे के अंदर जो है वो एक लातअल्लुकी का ऐलान करा दिया। अल्ताफे ने उसको भी जो है वो इग्नोर किया, अल्ताफे ने पूरे 1 महीने का जो है वो भरपूर वक्त दिया कि चलो भाई चलो करो, मैं इसके भी एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो भाई चीजों को बेहतर करो चलाओ, मगर उस भी लोग मारे गए, उसी तरह लोग गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुए। मगर जब चीजें बिल्कुल आया होना शुरू हो गई और चीजें अंदाजा होना शुरू हो गया कि सूरत हाल ऐसी नहीं जिस तरह चीजों को जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो चीजें आश्कार होती चले गए और वक्त ने सब कुछ क्लियर कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने एक तरफ PSP पे हाथ रखा कि जहां पर रोजाना सुबह शाम कौमी मूवमेंट के कारकुनान को कॉले आती है और उनको बोलते हैं कि जी PSP ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करोगे तो मैं गिरफ्तार करा देंगे और जाके कोर्ट को सामना करते रहो। यही चीज जो है फारूक सत्तार के लिए कराई जाती है कि उनको ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करोगे तो उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। हजारों की तादाद में ऐसे साथियों की हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं, ऐसे कई सौ कारकुनान हैं जो आज जो अपनी जॉब से जो है उनको टर्मिनेट कर दिए क्योंकि उनकी जॉब जो है वो टर्मिनेट कर दी गई है इस बुनियाद पर जायबत वो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, उनको उनको इस बात का फियर जायबत दिया जाता है कि तुम आओगे तुम्हें पकड़ लेंगे। नहीं, किस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट किए गए हैं,
एमक्यूएम को लेकर यह तासुर था कि केएमसी और जिले महकमों में सबसे ज्यादा लोग इनके, क्या केएमसी में ऐसा हो रहा? नहीं, बहुत सारी जगहों पे, मैं तो इसको एजुकेशन में भी कहूंगा, लोकल गवर्नमेंट के वाले से भी कहूंगा, वाटर बोर्ड में भी होंगे, क्या कहते हैं, इसी तरह से जो है वो जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज में जब जब एमक्यूएम को मौका मिला है और जहां पर जॉब्स हुई है मेरिट की बुनियाद पर वहां पर, या और केपीटी में कितनी सारी मिसालें हमारे पास मौजूद है, मतलब कि उनको उनको जॉब से जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया और बेचारे उनको जो है वो बेरोजगारी का सामना है। तो एक तरफ आप अपनी अपनी जात को भी सेव कर रहे हैं, आपको अपने आप को बचाना है, और दूसरी तरफ आपका माशी अपने आप भी हो रहा है। तो ये जो जबर की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे जो चीज की जा रही है, देखें इसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आज भी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है कि अगर आप उसको मेरिट की बुनियाद पे, अगर लोग कहते हैं कि कराची की सूरत हाल बहुत अच्छी हुई, हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई, मगर ये जबर की बुनियाद पे है, आप जो पोर्ट्रे कर रहे हैं उस पोर्ट्रे होने की बुनियाद पे चीजें जो है वो अच्छी नजर आ रही है। आप गन पॉइंट पे कहें कि जी सूरत हाल बहुत अच्छी, हाँ मैं कहूंगा जी बहुत अच्छी है कराची की सूरत हाल, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको गिरफ्तारी के साथ जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, आप जेल में जाए, एक जेल पे एक मुलाकात करने के लिए 4,000-5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मैं नाम नहीं कोट कर सकता, अभी एक कारकुन की सिर्फ काउंटेड टेररिज्म डिपार्टमेंट से उसकी रिहाई के लिए उसने तकरीबन लाखों रुपए की रिश्वत दी, तो वो छूट किया है। अगर मैं उसका नाम कोट करूंगा तो उसको, तो उसका तो मामला अदालत कत्ल कर देंगे। तो जहां पर ये सूरत हाल हो तो आप उस पर खैर की तवक्को कैसे कर सकते हैं? अच्छा वासी साहब, आपने कहा हाईजैक एमक्यूएम है, यौम तासीस के मौके पर जो फारूक सत्तार और उनके साथियों ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन की वो अच्छी खासी थी, एमक्यूएम लंदन के लोग भी निकले थे बाहर, लेकिन उस तरह एमक्यूएम लंदन को पजीराई नहीं मिली, एमक्यूएम लंदन के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले, तो अभी मैंडेट किसके पास है? नहीं, हमने प्रोग्राम रखा ही नहीं था, हमने आखिरी प्रोग्राम जो एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से जिसको हमने ओपनली अनाउंस किया था वो 9 दिसंबर का यौम शोदा था, हमने प्रोग्राम रखा था, बानियों कायतरी का लाइव खिताब था, तो वही हमारा जो है वो मेन प्रोग्राम था। और जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो तो आपको पता है कि उसकी आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे मामूली लोगों को देख लें, कभी हमारे जलसों की तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वो रेंजर्स के अहलकार नहीं खड़े हुए, तो वहां के लिए क्यों खड़े हुए? तो ये सब चीजें आवाम देख रही है, आवाम बहुत बाशऊर है कराची की, हाँ यकीनन वो चीजें देर बदेर मगर खुल के सामने आ जाती हैं कि किस तरह चीजों को जो है वो खराब किया जाता है। और मैं तो आज तक एक बात ही नहीं समझ सका, आपने जो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी जिस असले के ऊपर जी, तो उसके ऊपर जो पूरा कराची जानता है, पंजाब के लोग भी जानते हैं, जैसे पंजाब में मरले होते हैं तो कराची में स्क्वायर यार्ड पर जान जाते जी, 120 गज के प्लॉट से जिसके टैंक से जो असला बरामद किया गया था वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब वो असला इतनी बड़ी तादाद में जो है वो रख के जो है वो लेकर आए। नहीं तो वासी जलील साहब, फिर ये आप कह रहे हैं कि ये सब रेंजर्स खुद से कर रहे हैं, अगर खुद से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? 110% देखिए, एस्टैब्लिशमेंट की 3-pronged स्ट्रेटजी है एमक्यूएम के खिलाफ, आइसोलेशन, क्रिमिनलाइजेशन और डीमोरलाइजेशन। लेकिन वासी साहब, तासुर तो ये भी था ना कि एमक्यूएम ने भी एस्टैब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया है। ये तो सबसे बड़ी मतलब खामख्याली है। अगर 1978 में खालिद तहरीक जब एपीएम को बनाई थी तो 1979 में तो अल्ताफ अली गिरफ्तार हुए थे, जवाहरलाल साहब का दौर था, और अगर एमक्यूएम को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था तो अल्ताफ भाई को 9 महीने की सजा क्यों हुई थी? अल्ताफ भाई को 6 करोड़ों की सजा क्यों दी गई थी? मशरक पाकिस्तान के जो मैसूरी ने पाकिस्तान है उनके हवाले से अल्ताफ भाई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद तो मुतअद्दिद वाकयात हैं कोर्ट करने के लिए। तो ये तो सरीहन गलत झूठा प्रोपेगेंडा, ये तो है कि आप असल चीज से डिस्ट्रैक्ट कर दें, और जो पाकिस्तान के रियल इशूज हैं फैसल भाई, जो पाकिस्तान के रियल इशूज हैं, वो रियल इशूज ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फेनेटिसिज्म है, पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जनूनियत पैदा हो गई है, उसका खात्मा चाहिए। पाकिस्तान जिस नाम पे बना था उस बुनियाद पे पाकिस्तान में जितने रहने वाले जितनी भी लसानी इकाइयां हों या अकलियतें हों, उन सबको इक्वल राइट की अपॉर्चुनिटी कायदे आजम के मंशूर में मौजूद थी, है, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और जो पाकिस्तान जिस चीज को फेस कर रहा है वो हमारे सामने है। जब आपने इस ऑपरेशन के लिए आपने ज़र्ब अज़ब अनाउंस किया था, उस ज़र्ब अज़ब के रिजल्ट क्या है? अगर वो इतना ही अच्छा था तो अब रद्दुल फसाद की जरूरत क्यों पड़ गई है? खत्म क्यों नहीं हो गए फिर वो सारे दहशतगर्द? आप जैसे ही वो इस तरह के जो है जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं, हमने गला कोमा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगले दिन आके दहशतगर्द कार्रवाई करके चला जाता, नुकसान किसको आता है? आम मासूम जानों का, जो अभी सेवन में हुआ, जो अभी लाहौर के अंदर हुआ, मासूम लोग गए, उनका कोई कसूर नहीं था, उनका उनका चाहे पॉलिटिकल ताल्लुक हो नॉन पॉलिटिकल हो, मगर वो आम लोग थे, मासूम लोग थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था कि वो मर जाए बिलावजह।
लेकिन ये बुनियाद पर जरूर कह सकते हैं कि वो मर्ज उनको उनको अल्लाह ताला ने ऐसी नसीब में उनके लिखा था, मगर ये गलत है। लेकिन वासे जलील साहब, अब जिस तरह कराची के हालात हैं, जिस तरह आपने कहा कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, अमने आमा के हालात भी कुछ बेहतर हुए हैं लेकिन 100% हम नहीं कह सकते, अवाम के मसाइल भी अपनी जगह हैं, पीने का जो पानी है उसमें सरतान का वायरस है, इनका मदावा कैसे होगा? असल में कराची की अवाम तो कन्फ्यूज है कि उनका मैंडेट है किसके पास, वो सवाल किससे करें? सर्टेनली बहुत अच्छा सवाल किया आपका, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इसको। बिल्कुल कराची के अवाम को कन्फ्यूज किया जा रहा है। देखें, यही बात हमने 2011 में कही थी और मैं खुद उस पूरे डेलीगेशन का पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी या पूरा 3 महीने की एक्सरसाइज चली, मैं उसका पार्ट था। लोकल गवर्नमेंट किसी भी माशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है, मगर अगर आप चीज़ों को लिसानी बुनियादों पर चीज़ों के ऊपर चलाएंगे कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है तो मैंने सिस्टम को नहीं लेके आना, मुशर्रफ साहब को आप गाली देते रहे वो एक अलग बात है। मुशर्रफ साहब जो सिस्टम लेके आए थे उस सिस्टम के तहत डिवॉल्व थी पावर्स, जब पावर्स डिवॉल्व होती थी तो आपके पास फाइनेंशियल डिसबर्समेंट थी। अब मेयर कराची जो है वो लड़ रहे हैं कि उनको तो खाकरोप की भी जो है वो क्या कहते हैं ये इस्तकामत नहीं उनके पास कि उसको जो है वो रिमूव कर सकें। तो कराची के रियल इशूज को एड्रेस करने की जिम्मेदारी तो लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास है, मेयर का काम ही है, सीएम का काम नहीं है, ना लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का काम है। हमारे अपने दौर में, जब हमारा अपना दौर था उस दौर में भी लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हमारे थे जो आज के मौजूदा तो वासे जलील साहब, अखलाकी तौर पर वसीम अख्तर साहब को क्या करना चाहिए, ओहदा छोड़ देना चाहिए अगर बेइख्तियार हैं? काश पाकिस्तान में इस तरह की रिवायत पड़ जाए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान के अलावा जितने भी तरक्की याफ्ता महजिब माशरे, अगर उनकी किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जरा सा भी कोई नुकसान होता तो वो आदमी स्टेप डाउन कर जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की कोई रिवायत कभी नहीं जन्म ली। अगर वसीम अख्तर साहब इस पूरी सूरत हाल पे जो है वो एहतजाज में इस्तीफा दे दें तो इससे अच्छी कोई बात बिल्कुल दे देना चाहिए। जब सिंध गवर्नमेंट अपने सूबे के साथ ही वफा नहीं कर रही तो आप किससे जाके शिकवा करेंगे? नहीं, आप ये मुतालिबा कर रहे हैं, आप ये मुतालिबा कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कराची? मैं बिल्कुल, ये देखें ये मेरी राय है, आपने सवाल किया, मैंने एक्सटेम्पोर राय दे दी। बिल्कुल जो सूरत हाल है, कराची के जो रियल इशूज हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, कराची के अंदर जो परेशानियां हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल हो, चाहे वो पानी का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की बात हो, K4 मंसूबे की बात हो, क्या आपका जो लियारी एक्सप्रेस वे जो कि हमारे टेन्योर से पहले बन रहा था, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर से बन रहा था, कितना बदनसीब ये प्रोजेक्ट है कि जो आज तक 11, 12, 14, 15 सालों में कम्प्लीट नहीं हो सका। मतलब ये रियल इश्यूज है कराची के जिनको जो है वो सॉल्व होना चाहिए, बिना तफरीक होना चाहिए। अल्ताफ भाई ने जब वसीम अख्तर साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो अल्ताफ भाई ने कहा था कि तुम मेयर बन गए हो और तुम अब पूरे कराची के मेयर हो और लोगों की खिदमत करो, तो उनको अपॉर्चुनिटी दे ना। ये सीएम का काम नहीं है कि वो जाके जो है वो सड़कों के खड़ों पर जाके इस्तेदा करें, करें उनके साथ जाए, मैं उनको नहीं कह रहा, ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ द प्रोविंस, बिल्कुल करें, मगर जिनकी जिम्मेदारी है उनको आप फाइनेंशियल डिसबर्समेंट दें, उनसे काम कराएं, उनसे काम लें ताकि कराची शहर को जो है, या कराची के पूरे सिंध की बात करें जी, पूरे सिंध में लोग जो है वो फैसिलिटेट होना चाहिए, उनकी परेशानी को दूर होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा लंदन वासे जलील साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज जो कराची में असलहा बरामद हुआ है इसी मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार हैं आमिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। उनके साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुबीन काजी साहब। पहले तो मैं मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, वासे जलील साहब ने जो कुछ कहा और जिस तरह रेंजर्स पर इल्ज़ाम धरा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके मैं आपसे यही इसी से मुतालिक बात करूँगा और कराची से जो असलहा बरामद हुआ है इसको लेकर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। सेवन न्यूज़ हर जगह हर वक्त।